स्तंभ ऋषि महाराज के जय। सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एआर म्यूजिशियन क्लब यूट्यूब चैनल में। आज मैं स्तंभ ऋषि महाराज के दर्शन करने के लिए स्तंभ पर्वत पे जा रहा हूँ। तो मेरे साथी आए हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी निकलने वाले हैं हम लोग। तो आगे का व्यूज दिखाते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग इस गाड़ी में जाने वाले हैं, ये सामने देख रही है इस गाड़ी में। तो हमारे साथी अभी रेडी हो रहे हैं। पे हमारा अजय भाई ड्राइविंग करने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? अवन भाई ब्याह गया है, चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। लरा काका, ए मामा, ले ओ एका उल्टा हरा सामने आ भैया आईना अपन गाड़ी ये टाइम में काई ना खाई लेता। तो गाइज अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, देख सकते हैं। पूरे हाय बोलो दोस्तों। हाय, ये अजय भाई। दोस्तों हम स्तंभ ऋषि महाराज के पास दर्शन करने जा रहे हैं, तो चले हमारे साथ में, आगे बने रहे कंटिन्यू। Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. गाइज अभी हम लोग स्तंभ में पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक दिखाते हैं आपको। देर से खड़े हैं, लेकिन बहुत देर हो गई हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मुझे टक दिया सो हेलो गाइज, हम लोग अभी स्तंभ में पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी यहां पर पार्किंग में लगा दी है, देख सकते हैं। और आगे का व्यूज हम दिखाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। सो गाइज, यहां पर हमारे गांव वाले मिल गए हैं, हमारे साथ में है। हाय कर दो दोस्तों। सो गाइज, अभी हम लोग घूमने के लिए यात्रा में जा रहे हैं, क्या बोलते कंपनी?
क्या बोलते कंपनी, एंजॉय करेंगे आगे जाके, पहाड़ पे चढ़ने का है, पूरा एंजॉय करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे दोस्तों। और रात को ही हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे और अभी फिलहाल घूमते हैं, यात्रा का मजा लेते हैं। तो यहाँ पर अड्डा भाई कुछ बोलना चाहेगा, क्या बोलेगा अड्डा भाई? अड्डा भाई शर्मा रहा है तो मैं ही बोल देता हूँ। अभी रात में हम वहाँ यात्रा में जाके एंजॉय करेंगे और पहाड़ी पे चढ़ेंगे पूरा। उन लोग अच्छा लगेगा वहाँ वहीं पे हम सिलेक्ट करेंगे और खाएंगे। उसका सामने चल रहा है अभी, हम बाहर जा रहे हैं वो पे बाहर। देखो अपने को ये पसंद नहीं है इसलिए नहीं खा रहे हैं, अभी अगले दुकान पे जाएंगे फिर खाएंगे, कुछ मिलेगा तो। अभी पूरे होटल देख रहे हैं कहाँ पे अच्छा लगता है हमें, यहाँ पे अच्छा लगे वहाँ वहीं पे हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा कहाँ है वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। गाइस बहुत जोर से भूख लगी हुई है लेकिन हमको ऐसा होटल मिल नहीं रहा है कि जैसे कि खाना खा सके। हमने अभी पूरे होटल चेक कर लिए हैं लेकिन हमें हमारा पसंद का होटल नहीं मिला, लेकिन अभी कौन सा भी सिलेक्ट करेंगे देखते हैं, यहाँ पे खाते हैं पीते हैं और उसके बाद में पूरा एंजॉय करेंगे। अरे जेवन कर लो है राम ने, बस थोड़ी देर मिल गई बॉडी का बॉडी का आप का होता है तेरा है तो खाओ ना। हाय हाय सब्सक्राइबर की दे, हेलो हेलो हाय भाई चलाओ तब। सो गाइस अभी फाइनली हमें होटल पसंद आ गया है, अभी देखते हैं खाना खाएंगे और उसके बाद में एंजॉय करेंगे पूरा। देखो गाइस फिलहाल में हमको अभी खाना मिल चुका है, पहले से हम बहुत भूखे थे, अभी खाना मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बात तो नहीं किया, खाएंगे पेट भरेंगे फिर बात तो घूमेंगे नाचेंगे मौज करेंगे। फिलहाल वो भाई को देखो उनको ज़्यादा भूख लगी हुई है। खिचड़ी दाल इसको बोलते हैं, खिचड़ी दाल फेवर चीज जा रही है।
सो गाइज अभी हम लोग पहाड़ पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे साथी यहाँ पर नारियल के छिलके निकाल रहे हैं। ये जोड़ीदार है जमाना का, ठीक है। सो गाइस ठंड भी बहुत लग रही है, लेकिन हम लोग अभी टाइम हो रहा है 4:15, तो हम लोग अभी दर्शन के लिए पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं भाई लोग, चलो 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 चलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग भीमकुंड के नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं और उसके बाद में पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो यहाँ का लोकेशन भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस हिमकुंड के लोकेशन पर हम लोग अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नदी है जो वो सूख गई है। इतने साल नदी बहती थी, लेकिन भीमकुंड के लोकेशन के बारे में क्या चमत्कार हुआ है और यहाँ के नदी के बारे में हमारे साथी है ये कुछ बताना चाहते हैं। तो आपके बात अजय भाई, हाँ जी, हमने इधर आते ही कुछ बुजुर्गों से पूछा था कि इतने साल में इधर नदी में बहुत पानी रहा करता था, ये साल क्या हुआ। तो बुजुर्ग बोले कि ये तो किस्मत की बात है कि बाबा की वजह है सर, इधर पानी नहीं था, ये दो दिन हुए, दो दिन से पानी चालू हो गया है, जैसे कि लोग दर्शन करने आते हैं। इस किस्म में बहुत अच्छी बात है, ये तो आज चमत्कार हो गया। शायद यहाँ पे हकीकत की बात है, यहाँ पे स्नान करते ही लोग पहाड़ी पे जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। तो दिवाली के दो दिन हो चुके हैं, तो जिस दिन से दिवाली चालू हुई है उसी दिन से यहाँ पर भीमकुंड में पानी निकला है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे दोस्तों, पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखें। तो अगले लोकेशन पर मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम फाइनली पहाड़ी पे आ गए हैं और क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो गाइस हम लोग 4 बजे से निकले थे, तो यहाँ पे आके हम लोगों को अभी आधा घंटा हो गया। कितने बजे अजय भाई? 6:30 बज गए हैं। अभी 6:30 बज गए हैं, लेकिन आधे घंटे से पहले हम यहाँ पर पहुँच गए हैं दोस्तों। तो आगे जाके भी हम लोग कुछ लोकेशन व्यू दिखाएंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे दोस्तों। बहुत भीड़ में से हम लोग आ चुके हैं, हजारों में भीड़, कितनी भीड़ है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे भी आए, बहुत भीड़ में आए। और यहाँ पे अभी जला भी हो गया है और हम लोग फोटोशूट करेंगे और उसके बाद में दर्शन करेंगे। और अभी सूरज भी नहीं निकला, अभी निकलेगा, अब फोटोशूट करेंगे और दर्शन करके हम लोग उतरेंगे और घर की ओर रवाना होंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे। Thank you.
गाइस उजाला तो हो ही गया है लेकिन अभी सूरज भी निकल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो गाइज अभी हमारा दर्शन हो गया है और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। हाय हाय दोस्तों। गाइज यहाँ का जो मार्ग है वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, पूरा पहाड़ ही बोले तो पूरा पहाड़ ही पत्थरों से भरा हुआ है। जहाँ तक कि हम लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ तक हमने पत्थर ही पत्थरों से ही गुजरना पड़ता है हम लोगों को। सो गाइज यहाँ पे हमारा हैंग म्यूजिक मास्टर मिल गया है, क्या कहते हो मास्टर जी? खुश रहे, हम अस्तंबा ऋषि बाबा का हम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे चढ़ेंगे ऊपर, बस कुछ नहीं। ओके सो गाइज हम लोग तो अभी दर्शन करके रिटर्न हो गए हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी
जा रहे हैं दर्शन के लिए। आज दीपावली का लास्ट दिन है और कुछ लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी और बुज़ुर्ग सभी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी दर्शन के लिए अस्तंबर ऋषि महाराज का दर्शन करने के लिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। सो गाइज, अभी मैं भीमकुंड के लोकेशन पर नीचे आ चुका हूँ। रात में मैंने जो शूट किया था वो अच्छी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तो साफ दिखाई दे रहा है। पानी कितना है वो भी। सो हेलो गाइज, अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं, फाइनली उतर चुके हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। क्या बोलते हैं अजय भाई? खाली हमको होटल ढूंढने का, होटल में जाके पेट पूजा करने की है। जरा थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके बाद में घर पे निकलेंगे। सो हेलो गाइज, हम लोग अभी आ गए हैं गाड़ी के यहाँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सब रेडी हो चुके हैं। हाय बोलो गाइज। हेलो, कोई हाय भी नहीं बोल रहा दोस्तों। हाय बोलो, हाय। तो चलते हैं आगे का लोकेशन दिखाते हैं। जय भाई, रेडी? रेडी भाई, चलो सब लोग बैठ जाओ। अभी नॉन स्टॉप निकलेंगे नदी पे। नदी पे जाके बहुत मजा करने का, नहाने का, ये थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। गाड़ी भी गंदी हो गई है। तो क्या बोलते हैं आप लोग? हेलो रसने भाई, कुछ बस अभी निकल पड़े। अभी पहली बार जाएंगे, अभी नहाएंगे। रशन भाई का अभी जाएंगे, अभी लग रही तो अभी घर पे जाने वाले। ये टकलू भाई क्या भैया, बहुत दूसरा है, बहुत दूसरा है, लेकिन आए नहीं रास्ता में को और दिखने लगा। फिर ये टकलू नहीं आया दर्शन के लिए। यही पे संगाड़ी देखे इन्होंने और खराटे लिए। बस 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 ब